हेलो एवरीवन, टॉपिक टेस्ट के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक टेस्ट 3 जो कि पार्टनरशिप पे बेस्ड है, सवाल हमारा है उसमें आपका स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखो, हम लोग का पहला जो सवाल है वो सवाल में क्या बोल रहा है कि रचना एंड राकेश इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, रचना और राकेश एक पार्टनरशिप में इंटर करते हैं, सच दैट रचना इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राकेश। ठीक है, यानी रचना जो इन्वेस्ट करती है वो राकेश का जो है कितना इन्वेस्ट करती है, 2/3। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं, रचना और राकेश का जो रेशियो है वो है हमारा 2/3। ठीक है, फिर अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट 4 मंथ राकेश एंड रचना हैज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहले 4 महीनों के लिए उनका इन्वेस्टमेंट जो था इनिशियल था। आफ्टर दैट रचना एडेड एज मच मनी एज अमाउंट विड्रू बाय राकेश। राकेश ने जितना पैसा निकाला उतना रचना ने क्या किया, डाल दिया। तो यहाँ से हम रचना का अमाउंट बोल देते हैं इनिशियल 2x और 3x। 2x जो है उसने 4 महीनों के लिए लगाया, ठीक है, और 4 महीने के बाद रचना ने मान लो ए अमाउंट डाला होगा। ठीक है, तो 2x प्लस में ए आगे काम करेगा अगले 8 महीनों के लिए। ठीक है, रेशियो राकेश ने 3x रुपए पहले 4 महीने के लिए, और फिर क्या बोल रहा था, राकेश निकाल लेता यानी ए अमाउंट ही निकाला होगा, और कितने दिनों तक ये चला होगा, 8 महीने तक। ठीक है, फिर बोल रहा है कंडीशन में आफ्टर 1 ईयर रचना एंड राकेश रिसीव्ड अ 5 रुपी अ प्रॉफिट ऑफ ₹540 and ₹320। यानी रचना को ₹540 मिलते हैं, राकेश को ₹320 मिलते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट डैट राकेश विड्रू आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने के बाद राकेश ने कितना अमाउंट निकाला ये आपको बताना, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस सवाल में क्या है, हम लोगों का आप इसे सॉल्व जब करोगे तो यहाँ से सबसे पहले आप 4 को काट दो, 4 से 2/2 में, यहाँ 4 से ये 4 2/2 में। ठीक है, यहाँ हमें क्या देगा, 2x 2x इंटू 2 यानी कि 4x, जो कि इधर देगा 6x, प्लस में हमारा हो जाएगा 2a, रेशियो में 3x है, और यहाँ 3 2 जाए हमारा कितना है 6x, यानी 9x माइनस में क्या 2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो दो वेरिएबल है और वेरिएबल को एलिमिनेट करने का और कोई जरिया नहीं है। क्यों जरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 6x प्लस में 2a बटे में 9x माइनस में 2a बराबर में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे रचना का प्रॉफिट 540 और राकेश का प्रॉफिट 320, क्योंकि इंडिविजुअली इसको हम बराबर डायरेक्ट 540 के बराबर नहीं कर सकते हैं। ये जब भी बराबर होंगे किस में बराबर होंगी, रेशियो में। अब दो चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं और दो चीज़ों से तुम्हें रेशियो में ही सारी चीज़ें हैं, तो तुम उसके ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच ही नहीं सकते हो जब तक कि किसी एक का वैल्यू तुम्हें मालूम ना हो, चाहे वो एक्स का मालूम होना चाहिए चाहे वो ए का मालूम होना चाहिए। तो जब हमें वैल्यू मालूम ही नहीं है तो इसे हम फर्दर सॉल्व करके क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक्स और वाई का एक नया रेशियो बन के हमारे पास आ जाएगा, ए रेशियो समथिंग, कुछ रेशियो आ जाएगा। तो इससे भी हमारा कोई हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमें कंप्लीट ए का वैल्यू जानना है अमाउंट में, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा इसका आंसर जो है कांट बी डिटरमाइंड है। ठीक है, इस चीज़ को ना आप स्टार्टिंग में भी जज कर सकते थे। क्यों जज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट भी नहीं दिए हुए है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिए हुए है। तो जब तक टोटल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दिए हुए नहीं है, तब तक हम उसके आगे जो अमाउंट कितना डाला कितना निकाला ये हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सवाल कांट बी डिटरमाइंड है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ पे बेस्ड पार्टनरशिप का सवाल है। ग्राफ से रिलेटेड कभी भी पार्टनरशिप जो आती है ना, तो उसमें समझना क्या होता है कि जब तक हमारा सवाल में ना बोले कि इतना रुपया एक्स्ट्रा डाला इतना रुपया निकाला, तब तक में हमें इस टोटल 80,000 से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम इसे रेशियो पे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे पहला सवाल क्या है हम लोगों का, ये तुम्हें ग्राफ दे दिया है 80,000 का अकॉर्डिंग बांटा है, ये ए का है 25%, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है और ये ई का है। मतलब ए को जो है 80,000 का 25% रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, बी ने 35%, इसी तरीके से निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोल रहा है, बी एंड ई स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, बी और ई बिजनेस साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, बी लेफ्ट द बिजनेस 9 मंथ आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बी ने 9 महीने के बाद छोड़ दिया। ठीक है,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड ई, बी और ई के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस तुम्हें बताना है इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट इज 15400, यानी कि सालाना जो प्रॉफिट है वो कितना है, 15400 है। अब यहाँ पे देखो, ना ही बी ने कुछ रुपए डाला ना ही बी ने कुछ रुपए निकाला, यानी कि जो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसी पे काम करना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो निकाल के रेशियो में डालो या डायरेक्ट 100 लेके मान लो। जब 100 लोगे तो 100 के अकॉर्डिंग 35% तुम्हें क्या देगा, 35 देगा, और बी भी 100 के अकॉर्डिंग क्या देगा तुम्हें, 15। यानी बी ने 35 रुपये लगाए, ई ने 15 रुपये लगाए, बोल लो ठीक है। फिर आगे हम लोगों का क्या बोला है कि बी ने 9 महीने तक लगाया था, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, फिर रेशियो लगा दो। यहाँ ई का कोई कंडीशन नहीं दिए हुए है, इसलिए ई कितने दिनों तक है, टोटल पूरा पूरी 12 महीने तक। अब यहाँ से काटना छटना शुरू कर दो, 3 से ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, 5 से काट दो इसे 3 बार में, 5 से काट दो इसे 7 बार में, ये 3 और ये 3 खत्म हो गया। यानी कि रेशियो जो आ गया प्रॉफिट का, वो रेशियो क्या आ गया प्रॉफिट का, 7:4। ठीक है, अब हमें क्या बोला है डिफरेंस निकालने के लिए, तो हम या तो इंडिविजुअल डिफरेंस निकालें तो डायरेक्ट रेशियो से डिफरेंस निकाल लो। 7 और 4 का अंतर कितने का होगा हमारा, 3, आउट ऑफ कितना 7+4 यानी कि 11, गुने में कितना 15400। ठीक है, इसी को काट दो, 11 से ये कट जाएगा 1 बार में, 4 बार में 00, यानी 1400 × 3 हो जाएगा हमारा 4200 रुपीज़। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4200 रुपीज़ आंसर। ठीक है, अब या तो इसे तुम निकाल के करो, एक बार निकालोगे 80,000 का, फिर 35% बी के लिए, फिर रेशियो निकालोगे 80,000 का, फिर 15% ई के लिए, फिर देखो तो 80,000 और 100-100 तो काटोगे ही। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 80,000 का कोई यूज़ नहीं करते। हाँ, यही सवाल बदल जाएगा कि अगर कुछ पैसा डालता है कुछ पैसा निकालता है तब चीज़ें वहाँ पे जो होंगी वो बदल जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, देखो फिर वैसा ही ग्राफ पे बेस्ड सवाल था। ए एंड डी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ए और डी जो है बिजनेस साथ में करना शुरू करते हैं। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी। ठीक है, ए जो है सी से रिप्लेस कर देता है। पहले हम लोग ना सवाल पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं कहीं पे भी हमारा कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वगैरह डाला है क्या। ठीक है, 6 महीने के बाद ए को रिप्लेस कर दिया जाता है सी से, फिर डी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ ए। ठीक है, ए के 2 महीने के बाद, ए के छोड़ने के 2 महीने के बाद डी भी छोड़ देता है। ठीक है, वाइल सी वर्कड फॉर टोटल एक्स मंथ, सी ने टोटल एक्स महीने तक काम किया, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 13050, 130-150 के टोटल प्रॉफिट में ए गॉट 6750, ए को कितना मिला, 6750 मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान। देखो कहीं पे भी सवाल में ये नहीं बोला ए सी डी जो है 2000 डाल रहा है 1000 डाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो तीनों के बारे में बात की है, ए डी और सी, हम स्टार्टिंग में सवाल पढ़ चुके हैं तो हम लिख देते हैं ए डी सी। ए डी बिजनेस स्टार्ट करता है और 6 महीने के बाद, ए कितना डालेगा 25% है उसका 25, डी कितना डालेगा 10% है उसकी तो 10, ई कितना डालेगा 15% है तो उसकी 15। ठीक है, अब ध्यान समझना, 6 महीने के बाद, तो सबसे पहले ये 6 महीने तक तो रहा होगा। ठीक है, 6 महीने के बाद क्या करता है, ए को रिप्लेस करके सी को ले आता है, यानी 6 महीने के बाद अब सी भी आ गया हमारा। ठीक है, फिर बोल रहा है ए के 2 महीने के बाद जो है डी भी छोड़ देता है, 6 महीने के बाद छोड़ा था, 2 महीने के बाद, यानी कि ये कितने दिनों तक रहा, 8 महीने तक रहा। ठीक है, और सी जो है टोटल एक्स महीने तक काम किया, यानी कि इसको एक्स महीने तक काम करा देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब यहीं से काटना छटना शुरू कर दो, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, इसे यहाँ पे लिख देना है 30:16 रेशियो में हमारा 3x। ठीक है, अब हमें दिए हुए था कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना ए गॉट 6750, यानी ए का दिए हुए है, ए का क्या है हमारा 30, बटे में क्या टोटल प्रॉफिट लिख दो, रेशियो निकाल लो ए का टोटल प्रॉफिट के साथ रेशियो, तो 30 और 16 ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 46 प्लस में क्या 3x, ये हो गया ए का टोटल प्रॉफिट के साथ रेशियो। ए का टोटल कितना मिला था 6750, और उसकी रेशियो निकाल दो तुम 13050 से, इसी को काट के हमें x का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, यहाँ से ये 0-0 खत्म कर दो, 3 से जब इसे काटोगे तो 3 से ये कटेगा 225 बार में। अब चाहो तो इसे जैसे तुम काट लो, मैंने डायरेक्ट काट के रखा है 225 में इसे काट दूंगा तो ये 58 बार में कटेगा, ये नॉमिनल सा कटेंगे, इसे तुम्हें काट लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, 3x प्लस में 46 बराबर में कितना 58, 3x इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा 12,
एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 से काट दूंगा तो ये क्या देगी हमें, 4, यानी एक्स की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई, और यही हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यानी कि डी नंबर ऑप्शन 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, ए एफ सी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ठीक है, ए एफ सी जो है बिजनेस साथ में शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों का जो था, ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ तो नहीं था, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन देगा एफ कितना दे रहा है, एफ इन्वेस्टेड रुपीज 4000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी, सी से जो है वो 40% अधिक इन्वेस्ट करेगा। तो जैसे ही ये सवाल रुपया में आया, मैंने पहले ही बोला था कुछ भी रुपया का चर्चा अगर कर दे सवाल में तब फिर हमें निकालना होगा। अब पहले ही निकाल कर यहाँ पे बैठ जाओ, ए जो है कितना परसेंट इन्वेस्ट करता है, 25%। 25% मतलब क्या, 80,000 का 1/4 जब काटोगे से तो 20 बार में यानी कि क्या हो जाएगा, 20,000। यानी कि हम लोगों ने लिख दिया ए कितना इन्वेस्ट किया, 20,000। उसी तरीके से सी का निकालो, 15%, यानी कि 80,000 का 15/100 लिखेंगे, तो 80,000 का 15/100 जब 100 लिखेंगे तो 15 × 8 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 12,000। सी का आ गया हमारा 12,000, ठीक है। सी जब 12,000 आ गया तो एफ का कंडीशन क्या दिया, सी से 4,000 अधिक यानी कि कितना हो जाएगा, 16,000। अब जब देखो इस टाइप का कंडीशन आया, तुम्हें मालूम है इसे तुम्हें रेशियो में ही डालना है, तो यहीं पे काटना छटना कर दो, 3 0 3 0 3 0 तो हर जगह से खत्म हो जाएगा। अगर ए सी और एफ का रेशियो देखोगे तो 4 से ये तीनों कट रहे हैं, ये देगा 5, ये देगा तुम्हें 3 और ये देगा तुम्हें 4, यानी कि हम बोल सकते हैं ए 5 रुपये इन्वेस्ट किया, सी 3 रुपये, एफ 4 रुपये। लास्ट में ले जाके काटने से अच्छा है स्टार्टिंग में ही काट दो, ठीक है। तो जब रेशियो लिखोगे ना तो थोड़ा देखने में सुंदर भी दिखेगा और वहाँ थोड़ा आसान भी लगेगा। अब वहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कंडीशन में, सी एफ लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। ए एफ एंड सी है, ए का था 5 रुपया, सी का था, एफ का था, यहाँ पे इसको सी कर दो, ठीक है, और यहाँ पे इसे एफ कर दो। सी का था हमारा 3 रुपया और एफ का था हमारा 6 रुपया, ठीक है। क्या कंडीशन बोला, एफ 6 महीने के बाद छोड़ देता है, यानी कि इसने पूरे पूरी 6 महीने के लिए रहा। आफ्टर 2 मंथ्स मोर सी लेफ्ट द बिजनेस, 2 महीने के बाद बी सी भी छोड़ देता है, यानी सी कितने दिनों के बाद छोड़ा, 8 महीनों के बाद, ठीक है। और ए का कोई कंडीशन नहीं छोड़ने का, यानी कि ए का क्या है हमारा, ये पूरा पूरी 12 महीने तक रहा। आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ एनुअल प्रॉफिट इफ ए एंड सी टुगेदर गेट 8750, ए और सी को कितना मिलता है, 8750 मिलता है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट गॉट बाई ऑल थ्री टुगेदर, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था ये तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, यहाँ से 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ भी कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, रेशियो में रखना है इसे। फिर देखो और भी कुछ कटेगा, 3 से काट दो, ये 3 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में, यानी रेशियो तुम्हें क्या मिल गया, 5:2:2, यानी कि ए और सी का टुगेदर तुम्हें दिए हुए है 8750 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट थोड़ी देर के लिए जो है, अगर हम बोल दें टोटल प्रॉफिट हमारा एक्स था, तो ए और सी का कॉम्बाइन निकालो तो 5×2 कितना हो जाएगा, 7/2 टोटल कितना है हमारा, 9 × में क्या, एक्स, और इस तरीके से उसे मिला कितना, 8750। 7 से जब इसे तुम काटोगे तो 7 से ये तुम्हारा कट जाएगा 1250 बार में, और एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 1250 × में कितना, 9, और यही 9 × करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 11250 रुपीस एंड आंसर। यही हमें निकालना था कि टोटल प्रॉफिट कितनी है उन तीनों को जो मिली थी, तो उन तीनों को मिली या फिर टोटल प्रॉफिट बोलो, ये हमारा दोनों ही चीज़ क्या है, सेम है। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा आंसर है 11250। देखो ये DI में हम पहले ही स्टार्टिंग में जब बताए थे तुम्हें कि जब तक पैसे की चर्चा ना करें तब तक इसे रेशियो पे लेके चलो, जहां पैसे की चर्चा कर दिया वहां पे फिर हमें सारा चीज़ों को निकालना पड़ेगा, जैसे कि इस सवाल में हम लोगों ने नहीं निकाला और इसके पहले 2 सवाल में हम लोगों ने कुछ भी नहीं निकाला था, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, बोल रहा है राहुल एंड अंकुर स्टार्टेड अ बिजनेस, राहुल और अंकुर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग 18,000 and 25,000। देखो जब भी ये हजार हजार दे ना, हजार को भेजो कहाँ, बाजार घूमने के लिए भेज दो बाजार को, ठीक, हजार को, ठीक है, क्योंकि सारा चीज तो कट ही जाना है, तो सीधा सीधी स्टार्टिंग में ही उसे काट दो। अब ध्यान रखो फॉर 1 year and 8 months, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी राहुल 1 साल के लिए और अंकुर जो है 8 महीनों के लिए। अब ध्यान रखो पार्टनरशिप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि जब कोई भी एक आदमी महीने में इन्वेस्ट करेगा तो दूसरा को हम लोग साल में ना लेके महीने में, मतलब यूनिट जो होगी वो दोनों की ही क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं की इसको 1 year ले लेना है, उसको 8 months ले लेना है, ठीक है, तो गड़बड़ा आ जाएगा वहाँ पे। फिर अब क्या बोल रहा है,
इफ एट द एंड ऑफ द ईयर दे पेड अ टोटल इनकम टैक्स ऑफ 2600, एक साल के अंत में टोटल इनकम टैक्स उन्होंने कितना पे किया, 2600 पे किया ऑन द ओवरऑल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट पे एट द रेट ऑफ 10%, यानी 10% उसने क्या किया, टैक्स पे किया। ठीक है, तो टैक्स पे किया तो 100% यहां से निकालेंगे। टैक्स किस पे किया जाता है, प्रॉफिट पे, यानी कि 100% हमें क्या दे रहा है, यहां पे प्रॉफिट दे रहा है। 10% का मान 2600 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 26000 हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट उसके कितनी थी, 26000 थी। बोल रहा है देन व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ राहुल विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, राहुल को कितना प्रॉफिट मिलेगा एक साल के अंत में बिफोर पेइंग द टैक्स, टैक्स पे करे बिना, मतलब ये 26000 पे उसे कितना मिलेगा। तो देखो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे राहुल और अंकुर का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया था हजार हजार दोनों में कॉमन दिख रहा है, हजार को कहाँ भेज देना है, बाजार। राहुल हमारा 18 रुपया और अंकुर हमारा 25 रुपये के साथ, ठीक है, एक साल है। अभी मैंने बोला था ये जब 8 महीने की चर्चा हुई तो साल को भी किसमें बदल दो, महीना में, एक साल यानी कि 12 महीने, और अंकुर का जो है वो कितने महीने हैं, 8 महीने, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, यानी रेशियो जो आ गई 27:25 कितना आ गया, 25 आ गया। अब राहुल का ही शेयर पूछा है, राहुल का शेयर निकाल दो, 27 बटे में टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 52 गुने में कितना, 26000, ठीक है, 52 से जब इसे काट दोगे तुम तो ये कटेगा हमारा 500 बार में, और 27 गुने 5 जब करोगे तो ये तुम्हें देगा 135,000, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 135,000। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखो देखो सवाल क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, अमन एंड बिमला इंटर इंटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग कितना, 2000। पहले हम लोग ना सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं, अमन और बिमला कितना के पार्टनरशिप पे शुरू करते हैं, 2000 और 3000। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया पिछले सवाल में कि हजार दोनों में कॉमन मिले तो उसको क्या करना है, बाजार भेजना है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि अगला भी जो टर्म ऐड हो रहा है चाहे विड्रॉ कर रहा है वो भी हजार में है या नहीं है। ठीक है, अगर वो दूसरी वैल्यू में है तब फिर वहाँ चीज़ों को समझ के, एक्चुअली देखो ये हजार को बाजार भेजने का कंसेप्ट क्या है कि जब तुम रेशियो में लिखोगे 2000 और यहाँ पे तुम लिखोगे 3000, तो 2000 और 3000 जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हजार ये 00 काट देगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3, इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 2:3 में। ठीक है, देखो आगे क्या है हम लोगों का, आफ्टर 4 मंथ अमन इन्वेस्टेड 1000 मोर, एक महीने 4 महीने के बाद अमन जो है 1000 और इन्वेस्ट कर देता है, एंड बिमला विड्रियो 1000 और बिमला जो है 1000 निकाल लेती। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ, बहुत लोग इससे फैमिलियर होंगे, बहुत लोग नहीं है, जो लोग नहीं है वो लोग सीख लो इसे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है तुम लोगों का कंडीशन में, क्या बोल रहा है कंडीशन में कि आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, इसको आगे जाने से पहले यहाँ पे एक बार समझ लो क्या बोल रहा है, अमन जो है इन्वेस्ट किया 2000 रुपये, ठीक है, कितने दिनों तक, 4 महीने के बाद कार्यक्रम, यानी कि 4 महीने तक तो उसका ये चला होगा, 4 महीने के बाद अमन का क्या होता है 1000 वो बढ़ा देता है, 1000 जब बढ़ा देता है मतलब 2000 था उसके पास और 1000 और वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो 1000 जब वो बढ़ा दिया यानी कि कितने दिनों के लिए, 4 महीना हो गया हमारा, अगर एक साल का बात करें तो कितना बच रहा है हमारा, 8 महीना। ठीक है, यानी 2000 जो है 4 महीनों के लिए हो गया, 2000 जो है 8 महीनों के लिए हो गया, तो इसी को हम लोग यहाँ पे तोड़ के अगर लिखें तो 2000 8+4 हमारा कितना हो जाएगा, 12, प्लस में 1000 जो है हमारा वो कितने दिनों के लिए हो जाएगा, 8 महीनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझो कि इसी को हम दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि वो 2000 जो है शुरू से लेके अंत तक चलाया, कितने दिनों तक चलाया, 12 महीने तक चलाया, लेकिन 1000 रुपया जो एडिशनल डाला था वो 4 महीने के बाद डाला था, यानी कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 महीने तक डाला था। अब विड्रॉ का भी कंडीशन देखो, विड्रॉ में क्या है, बिमला का क्या बोल रहा है, 3000 रुपये वो जो है 4 महीने तक, ठीक है, फिर बोला 3000 रुपये जो है वो माइनस कर दे रही है 1000 रुपया, और 1000 रुपये निकाल दे रही है वो अगले कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। इसी को थोड़ा ध्यान दोगे, 3000 4 महीने, 3000 8 महीने, यानी कि 3000 रुपये तुम बोल दो इसे 12 महीने तक उसने चलाया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1000 रुपये जो है वो 8 महीने से निकाल भी रही है, तो 1000 रुपये को 8 महीने से घटा दो, तो थोड़ी सी जो है ना कैलकुलेशन करने में तुम्हें आसानी होगी यहाँ से, इस तरीके से तुम अगर इस अप्रोच को लेकर चलते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल की ओर, सवाल में क्या बोल रखा है हम लोगों को। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या है,
after the end of the year they took their share and invested in different scheme. ठीक है, अपना शेयर ले लेते हैं डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले उसका शेयर निकाल दो. यहाँ पे क्लियर है कि कहीं पे भी हजार के अलावा और कोई चर्चा नहीं है, तो हजार को बाजार भेज दो फिर से एज यूजुअल, और अमन और बिमला का जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया था उस पर फॉलो करा दो. अमन ने 2000 रुपये यानी कि 2 रुपये कितने दिनों तक, 12 महीने तक, और 1000 रुपया और लगा देता है यानी कि 1 रुपया जो है कितने दिनों तक, 8 महीने तक, यानी कि 4 महीने के बाद आया था अमन का. फिर उसी तरीके से बिमला का 3000 रुपये यानी कि 3 रुपये 12 महीने तक, लेकिन यहाँ पे उसका 1000 रुपये कमी होगा. यहाँ पे 1 गुना क्या कर दोगे, 8 कर दोगे. ठीक है, काटने छाटने में भी काट लो, यहाँ से 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से फिर 3 बार में, 4 से ये 2 बार में, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8, और यहाँ से रेशियो निकाल दो 3 गुना 3 में 2 चला जाएगा कितना, 7. ठीक है, ये उनका शेयर हो गया. अब यहाँ से आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर दे टुक देयर शेयर एंड इन्वेस्टेड इन डिफरेंट स्कीम, दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो अपना अपना जब शेयर लेंगे तो प्रॉफिट मालूम होगा, तब ना शेयर लेंगे. अमन इन्वेस्टेड हिज शेयर इन अ स्कीम विच प्रोवाइड 25% सिंपल इंटरेस्ट. अमन जो इन्वेस्ट करता है 25% सिंपल इंटरेस्ट पे. ठीक है, बिमला इन्वेस्टेड इज शेयर विच प्रोवाइड 20% कंपाउंड इंटरेस्ट. 20% क्या प्रोवाइड करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, यानी कि दोनों को ही 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय अमन एंड बिमला, अमन और बिमला के बीच में जो डिफरेंस होगा इंटरेस्ट का वो है 3680. वॉट इज द प्रॉफिट दैट दे अर्न 1 ईयर आफ्टर दैट, आफ्टर दे इंटर्ड इन टू द पार्टनरशिप. ठीक है, आपको ये बताना है कि 1 साल के बाद कितनी प्रॉफिट उन लोगों ने अर्न की थी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है. तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ना हम लोग मान लेते हैं, मान लिए कि लेट प्रॉफिट जो हुआ था, प्रॉफिट हुआ था हमारा 15x. ठीक है, तो जब प्रॉफिट 15x होगा तो इसको मिलेगा 8x, इसको मिलेगा कितना, 7x. तो इसको 8x लगा दो, इसको 7x लगा दो. 8x जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है 25% पे 2 सालों के लिए SIP पे, तो इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, 25 से हो जाएगा 4 बार में, 4 से ये 2 बार में, यानी कि इसे जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो इंटरेस्ट अर्न होगा 4x. ठीक है, बिमला की अगर बात करें तो बिमला ने 7x इन्वेस्ट किया, 7x जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5, और यहाँ पे 2 सालों के लिए इंटरेस्ट निकालना है, -1 भी कर देंगे हम लोग साथ में. 7x 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो ये हमें देगा 36/ कितना, 25 माइनस में क्या 1, 7x गुने में 36/25 चला जाएगा हमारा 11/25. यानी ये हो गया बिमला का इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा अमन का इंटरेस्ट, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिए हुआ है कितना, 3680. यानी 4x माइनस में 77x बटे में क्या कर दो, 25 कर दो. ठीक है, और बराबर में तुम्हें दिए हुए है कितना, 3680. देखो इसी को सॉल्व करना है, यहाँ पे आसानी से तुम नीचे भी 25 और ऊपर भी 25 से गुना कर दो. तो जब ऊपर करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 77 चला जाएगा, तो कितना बचेगा तुम्हारा, 23x. नीचे में हमारा 25 है ही, बराबर में 3680 काट दो 23 से, पूरी तरीके से कट जाएगा. काटोगे जब तो ये कटेगा 1 और 6 एंड 0 बार में, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी 25 × 160 जब करोगे तो ये तुम्हें देगा 4000. ठीक है, x की वैल्यू 4000 आ गई. अब तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट दैट दे अर्न 1 ईयर आफ्टर दे इंटर इन टू द पार्टनरशिप. ठीक है, आपको बताना है कि आपको 1 साल के बाद उन लोगों ने कितनी प्रॉफिट अर्न की थी, ये बताना है. तो 1 साल के बाद प्रॉफिट जो अर्न की थी वो क्या था हमारा, 15x था, यानी कि 15x की वैल्यू बतानी है. तो 15x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 × 4000, 15 × 4000 कितना होता है हमारा, 60,000. और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60,000, एंड दैट इज योर आंसर. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि पार्टनरशिप में जो होता है ना, कभी कभी जो मेन रूप से मेंस वगैरह में सवाल आते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं कि पार्टनरशिप तो है ही, उसमें साथ ही साथ क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके का ट्विस्ट जो है घुसाए हुए रहता है. ठीक है, जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है, सिर्फ देख के डरावना लगता है. ठीक है, तो चलो देख के डरे ना, सवाल को सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ए मैन डिवाइडेड अ सम ऑफ मनी अमंग हिज 3 सन्स ए बी सी इन द रेशियो 2:5:3. ठीक है, एक आदमी जो है ए बी सी में अपना पैसा को बांट देता है, किस अनुपात में, 2, 5 और 3 में. ठीक है, विच दे यूज इन अ स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, जिसका उन लोगों ने यूज किया एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, और कंडीशन क्या दिया हुआ है पार्टनरशिप में,
एंड शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद प्रॉफिट को शेयर कर दिया, विच वॉज 20% मोर देन द सम, सम से 20% अधिक था। तो सम कितना है हमारा, 5, 2, 7, 3 कितना, 10, 10 से 20% अगर अधिक निकालेंगे तो रेशियो में या यूनिट में ही हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कैसे उसको मानते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, सच दैट ए एंड बी शेयर इज इन रेशियो 17:20, ए और बी का जो शेयर है वो कितना है, 17:20। तो अब ये 2:5 है, 17:20 हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, ना ही बीच में कहीं पे बोला कोई छोड़ा कोई आया, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने बीच में कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा और एक्स्ट्रा लगाया होगा। वही चीज यहाँ पे दे रखा है, क्या बोल रखा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द बिजनेस ए एडेड 15,000 आफ्टर अ क्वार्टर, एक क्वार्टर के बाद ए ने जो ऐड किया वो कितना ऐड किया, 15,000। अब देखो यहाँ पे तुम वही कंसेप्ट करो जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 2x है, ये तुम लगाओगे कितना पहले, एक क्वार्टर के लिए, तो एक क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 3 महीने। उसके बाद फिर उसमें क्या करोगे, 15,000 ऐड करके लगाओ, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि ये 2x जो स्टार्टिंग में था ये तो पूरे पूरे 12 महीने के लिए होगा ही, फिर प्लस में क्या कर दो, 15,000 जो उसने डाला वो 15,000 कितने दिनों के लिए डाला, 3 महीने के बाद डाला, 3 महीने के बाद का मतलब क्या है, 9 महीने के लिए डाला। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ए का कंडीशन क्या है, 2 है, और यहाँ पे हम लोग एक्स बोल देते हैं, ठीक है, 2x है, गुने में क्या है, 12, ठीक है, फिर प्लस में क्या कर दो, 15,000, और गुने में क्या कर दो, 9 कर दो। फिर यहाँ पे देखो बी का कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड 2 months आफ्टर दिस सी एडेड 5,000, 2 महीने, इसके 2 महीने के बाद, यानी 3 और 2 कितने, 5 महीने के बाद सी ने 5,000 इन्वेस्ट किया, यानी बी वही का वही है, बी 5x है, चलेगा कितने दिनों तक, 12 महीने तक। और सी का कंडीशन क्या है कि 3x जो है वो तो 12 महीने तक होगा ही, लेकिन 5 महीने के बाद उसने 5,000 और डाल दिया, यानी जो 5,000 है ये कितने दिनों तक चलेगा, 7 महीने तक चलेगा। इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तुम जब देख रहे हो तो ये बहुत सारा बीच में 0 है, यहाँ पे ये सिंगल टर्म है, तो इससे बचने के लिए या थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट, यहाँ चलो नंबर आसान है, ये सवाल को तुम आसानी से कर लोगे, अगर और भी कभी इन केस आता है और नंबर्स डिफिकल्ट रहे तो उस कंडीशन में क्या करो कि जब ये 1,000 मिल रहा है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, तो इसे तो हम मैंने माना है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे मैं मान लूंगा 2,000x, और इसे मान लूंगा मैं 5,000x, और इसे मान लूंगा मैं 3,000x। उससे क्या होगा, हमारा हर एक जीरो वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब 2,000x मानूंगा तो क्या होगा, 2,000x इन्वेस्ट करेगा वो 12 महीने के लिए, प्लस में 15,000 जो था उसका डेफिनेट वैल्यू 9 महीने के लिए, रेशियो 5,000 रुपया x जो इन्वेस्ट करेगा वो 12 महीने के लिए, फिर 3,000x जो इन्वेस्ट करेगा वो करेगा 12 महीने के लिए, और 5,000 जो इन्वेस्ट करेगा वो करेगा 7 महीने के लिए। अब यहाँ से देखो 3 0 3 0, यहाँ भी 3 0, यहाँ भी 3 0, और यहाँ भी 3 0, खत्म हो गया। तो इससे जो है कैलकुलेशन जो है ये प्रोसेस को हम लोग ना करके ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। अब चाहो तो इसे तुम काट भी सकते हो, नहीं तो अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। यहाँ पे देखो क्या है, 12 × 2 करोगे तो ये तुम्हें देगा 24x, प्लस में 15 × 9 कितना है, 135, ठीक है, रेशियो 12 × 5 करोगे तो ये तुम्हें देगा कितना, 60x। फिर यहाँ पे तुम करो 12 × 3 हमारा कितना कितना है, 36x, प्लस में 75 जा क्या, 35। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी 0 का टर्म तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यही तुम्हें दिए हुए है, ए और बी का रेशियो है 17:20, यहाँ से ए उठा लो, 24x प्लस में कितना, 135, बटे में क्या हो जाएगा, 60x, और इसी का रेशियो दिए हुए है 17/20। अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, 20 से काट दो इसे 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, और 3 से ये ही कटेगा तुम्हारा 45 बार में, और यहाँ से तुम्हारा आ गया क्या, 8x प्लस में 45 इज इक्वल टू x, ऊपर चला जाएगा 17x, 8x 17x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर में कितना, 45, 9 से काट दो ये 5 बार में, यानी x की वैल्यू जो निकल गई वो कितनी निकल गई, 5,000। अब पूछ क्या रखा है तुमसे सवाल में, फाइंड द सम ऑफ मनी दैट मैन डिवाइडेड, मैन ने कितना सम डिवाइड किया था ये तुम्हें बताना है। तो मैन ने डिवाइड किया क्या, 2,000x, 5,000x और 3,000x, जब जोड़ोगे 2 और 5 कितना, 7 और 3 कितना, 10,000x, यानी मैन ने जो डिवाइड किया था वो डिवाइड किया था 10,000x। तुम्हें x हटाना है यहाँ पे, तो 10,000 गुने में 5 कर दो तो ये तुम्हें क्या देगा, 50,000, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50,000। देखो इस कंडीशन में ना ये प्रॉफिट का हमें कोई यूज़ नहीं है, अगर प्रॉफिट का इन केस मान लो कोई सवाल में हमारा यूज़ करने के लिए देता है तो जैसे हम लोगों ने इसमें 1,000 बढ़ाया, इसमें भी हम लोग 1,000 बढ़ा देंगे,
ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 12,000, अगर इन केस कभी यूज करने लायक कोई सवाल आता है तो, ठीक है, एल्स इसका कोई यूज नहीं था, ये जस्ट आपको इधर उधर गुमराह करने के लिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। ए बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1200 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी 1200 और 1600 के साथ इन्वेस्ट करते हैं। फिर बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर ए इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 75%, बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 25% एंड अनदर पर्सन सी ज्वाइंस द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट 2400। तो ये सारा कार्यक्रम जो हुआ वो 3 महीने के बाद ही हुआ है। तो सबसे पहले ए बी और सी लिख देते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी 1200 है, यहाँ पे भी 1600 है, यहाँ पे भी 2400 है, तो दो दो जीरो तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो दो जीरो को स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या बोलेंगे, ये 12 रुपया, ये 16 रुपया और ये 24 रुपया। अब 3 महीने के बाद कार्यक्रम हुआ, तो 3 महीने के बाद जब कार्यक्रम हुआ तो 3 महीने के बाद कार्यक्रम करना शुरू कर दो। अब इसको भी तुम वैसे भी कर सकते हो कि सॉरी 3 महीने नहीं है, वो 3 साल है, ठीक है, 3 ईयर, 3 साल के बाद हुआ, तो इसको भी तुम वैसे कर सकते हो कि ये 3 साल के लिए चला, यानी कि टोटल हमारा 8 साल के लिए, तो इसको 8 साल के लिए कर दो या फिर तोड़ के, जैसे कि मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ तुम्हें। ए का कंडीशन क्या है कि 3 साल के बाद, तो ये 3 साल तक चला, अपना 75% वो बढ़ा देता है, तो 75% का मतलब क्या है, 25 का जब 75% निकालेंगे तो 4 से 3 बार में यानी 9 वो बढ़ा देगा, तो 12 एंड 9 कितना हो जाएगा, 21, और 8 साल की पूरी पूरी चर्चा है, 3 साल इन्वेस्ट हो गया, यानी कि ये अगले 5 महीनों के लिए, 5 सालों के लिए। तो ये इस तरीके से जाओ, या फिर तुम ये कर दो, 12 रुपया जो है वो पूरा पूरी 8 के लिए, और फिर ये 9 का जो इंक्रीज हुआ ये 9 कर दो तुम टोटल कितने दिनों के लिए, 5 महीनों के लिए, क्योंकि 3 साल के बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल के बाद तुम्हें 8 साल पुराने में 5 साल और लगेगा, दोनों से ही सेम वैल्यू आएगा, कहीं से कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला स्टेप तो कर ही चुके हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग इस स्टेप से करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, हम लोगों का 12 रुपया जो है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर बोला है कि 75% वो बढ़ा देता है, तो 75% अभी मैंने निकाला था 9 होता है, 12 में जब 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और ये 21 कितने दिनों के लिए वो कर रहा है, 5 महीनों के, 5 सालों के लिए। ठीक है, फिर आगे ध्यान दो, अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 25%, बी जो है अपने कैपिटल को 25% से क्या करता है, बढ़ा देता है, तो 25% से बढ़ा देता है मतलब क्या, पहले 3 साल तक तो ये रखेगा ही, 16 का 25% मतलब क्या, 1/4, यानी कि 16 का 1/4 क्या होगा, 4, 16 में 4 की जब इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, और कितने दिनों के लिए, 5 सालों के लिए। ठीक है, और इसी 3 साल के बाद कौन आया था, सी आया था, कितना रुपया लेके आया था, 24 रुपया लेके आया था, यानी कितने सालों तक रहा होगा, 5 सालों तक। बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड बी एट द एंड ऑफ 8 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस इज कितना, 210, ए और बी का अंतर जो है वो कितना है, 210 है, तो तुम्हें बताना कितना है, किसका शेयर बताना है, सी का शेयर बताना है। तो देखो कुछ अगर कट रहा है तो इसमें काट लो, नहीं कट रहा है तो इसे सीधा सीधी सॉल्व कर दो, जहां तक मुझे दिख रहा है ये कटने वाला नहीं है। तो 12 × 3 करोगे 36, 12 × 1 करोगे 105 में जब 36 जोड़ोगे तो ये तुम्हें देगा 141, 16 × 3 48, 20 × 5 100, यानी कि कितना हो गया 148, 24 × 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा 120। ए और सी का अंतर दिए हुए है 210, ए और बी का अंतर दिए हुए है 210, यानी 141 148 का अंतर कितना है, 7 का ही वैल्यू तुम्हें दिए हुए है 210, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तुम्हें सी का निकालना है, सी कितना है तुम्हारा, 120 है, यानी 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुने में 3 यानी कि 360 हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो है 120 गुने 3 यानी कि 360। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, सॉरी 360 नहीं 3600, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 3600, 120 गुने में ये 30 है। ठीक है, 3600 ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट सवाल हम लोगों का 9 नंबर में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 2.5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, बी का जो इन्वेस्टमेंट है ए के इन्वेस्टमेंट से कितना है, 2.5 टाइम्स है, यानी ए और बी का इन्वेस्टमेंट का अगर हम लोग बात करें तो ए अगर 10 रुपये इन्वेस्ट करता होगा तो बी 2.5 यानी क्या 25 इन्वेस्ट करेगा, जो कि रेशियो में अगर हम लोग बात करें तो रेशियो हमें देगा 2:5। ठीक है, फिर अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो बिटवीन द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के टाइम का जो रेशियो है वो है 3:1,
ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, टाइम इन्वेस्टमेंट इंटू क्या होता है टाइम, 3 to 2 जो होता है हमारा कितना 6/5, ठीक है। इफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज ₹28,000, ए और बी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है कितना 28,000 है। तो देखो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा क्या था इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट बात करें 5 2 हमारा कितना है 7, 7 इज इक्वल टू कितना है हमारा 28,000 है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4,000 हो जाएगा। एक का मान जब 4,000 है तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया 2, यानी कि 2 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 8,000 हो जाएगा। अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 500 लेस देन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी ए का जो प्रॉफिट है वो उसके इन्वेस्टमेंट से क्या है 500 कम है, तो 8,000 में 500 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7,500, यानी ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 7,500 है। तो अब तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डिफरेंस बताना है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है हमारा 1 यूनिट है। अब ध्यान से देखो, ए का जो प्रॉफिट है वो है 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट की ही वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है 7,500 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,500 बटे में कितना 6, जब इसे काटोगे तो ये तुम्हें देगा 1,250, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 1,250 रुपीज़, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो 1 यूनिट की ही वैल्यू निकालनी थी, और ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है 1,250, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और हमारा आखिरी सवाल, आखिरी सवाल में क्या बोल रहा है हम लोगों को, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, इस सवाल को हम लोग ना चुटकियों में मतलब बिना कुछ किए हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसे हम लोग देखेंगे भी सॉल्व कैसे करना है। क्या बोल रहा है, प्रकाश एंड कुरेशी टुगेदर इन्वेस्टेड एज मच मनी एज राजेश एंड सुरेश, ठीक है, प्रकाश और कुरेशी जितना इन्वेस्ट करता है वो किसके बराबर है, राजेश और सुरेश के बराबर है। प्रकाश एंड कुरेशी इन्वेस्टेड देयर मनी इन द रेशियो 2:1, प्रकाश और कुरेश जो इन्वेस्ट किए वो इन्वेस्ट किए 2:1 में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, रेशियो 2:1 फॉर टाइम पीरियड 1:2, ठीक है, टाइम पीरियड जो है पी और क्यू का, तो टाइम पीरियड क्या है हम लोगों का पी और क्यू का, 1:2 कितना है 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1:1 कितना है तुम्हारा 2। अब फिर आगे देखो अगला लाइन तुम्हें क्या बोल रहा है, टाइम अलग लिखना है हम लोग, इन्वेस्टमेंट अलग, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2:1 है हमारा। अब अगला लाइन देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, कुरेशी एंड राजेश इन्वेस्टेड देयर मनी इन द रेशियो 3:4, कुरेशी और राजेश जो इन्वेस्ट किया वो रेशियो किस रेशियो में था, 3:4 कितना था 4 था, ठीक है, 3:4 जब हो गया तुम्हारा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कुरेशी और राजेश का टाइम दिए हुए है कितना 2:1, तो यहाँ से लिख दो कुरेशी और राजेश का जो टाइम है वो है तुम्हारा 2:1। तो तुम्हें एक चीज मालूम हो गया, पी क्यू और आर का जो टाइम का रेशियो है वो है 1:2:1, ठीक है। अब ध्यान से देखो सवाल में क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट शेयर अर्नड इन अर्नड इज ₹118,000 एंड सुरेश शेयर आउट ऑफ इट इज कितना ₹10,000, सुरेश का जो शेयर है उसमें कितना है 10,000 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। अब सवाल में एक चीज नोटिस करो, तुम्हें पी क्यू आर का टाइम मिल गया, एस का टाइम निकालेंगे रेशियो निकल जाएगा, यहाँ पे उसे निकालने की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो आंसर दिख गया, पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा। यहाँ पे देखो जो भी पी क्यू आर है वो क्या है 1:1 में है, यानी कि 1:1 जो होता है किसी भी रेशियो का एकदम मिनिमम वैल्यू होता है, क्योंकि इसके नीचे जब जब तुम जाओगे तो वो क्या होगा तुम्हारा पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में रेशियो जाएगा नहीं, और जो भी अगर मान लो मल्टीप्लाई भी होगा तो वो कॉमनली तीनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो भी रहेगा 1:1 के रेशियो में रहेगा। ऑप्शन में देखो 1:1 वाला कहाँ है, 1:1 है नहीं, यहाँ पे है हाँ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, एक ही तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है 1:1 और 4, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 1:1 और 4, यही हमारा आंसर है, खत्म हो गया सवाल, कुछ करना ही नहीं था। एस का यहाँ से तुम मान लो पी क्यू आर और एस 1:2:1:x, ठीक है, क्योंकि एस का टाइम मालूम नहीं है, अब x का वैल्यू तुम जो भी बैठाओगे तो इसी में बैठेगा ना, 1:1 के रेशियो में बैठेगा ना, और एक ही तुम्हारा 1:1 का रेशियो है जो है ऑप्शन नंबर बी, इसी के साथ हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कुछ करना ही नहीं था इसमें, आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसे देख लो ऐसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P और Q का इन्वेस्टमेंट तुम्हें मालूम था 2:1 में है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया इसे 200, इसे थोड़ा स्टार्टिंग में 100 बोल दिया, जब Q यहाँ 100 है, Q यहाँ 3 यूनिट है, तो इसे कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसे मैंने
तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी 300 से इधर भी 300 से, तो ये हो गया तुम्हारा 300, ये हो गया तुम्हारा 600, ठीक है। अब यहाँ से क्यू में आओ, क्यू तुम्हारा जब 3 का मान 300 है तो 4 का मान ये क्या देगा, 400 देगा। यहाँ से तुम्हारा सुरेश का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा यूनिट में ही, ठीक है। देखो पी इन्वेस्ट किया 600, क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 300 इज इक्वल टू आर का इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा 400। अब यहां से तुम एस निकाल दो, 6 3 900 में 400 चला जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। यानी कि तुम यहां से पी क्यू आर और एस का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हो, कैसे, सब में 0 0 कॉमन है तो डायरेक्ट लिख दो 6 3 4 एंड क्या 5। तुम्हें इन्वेस्टमेंट का रेशियो मालूम है, टाइम का रेशियो मालूम है, एक एक्स में है वो सॉल्व हो जाएगा, तो तुम प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 6 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 6, रेशियो में 3 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा फिर 6, 4 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 5 × x करोगे तो क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अब यही सवाल में तुम्हें दिए हुए है कि सुरेश को 18,000 में से 10,000 रुपये मिले हैं, यानी कि सुरेश का जो शेयर है वो है टोटल तुम्हारा 10,000, और कितना में से मिला है टोटल में से 18,000 में से मिला है। अब यहाँ से सुरेश का लिख दो 5x लिख दो, बटे में टोटल लिख दो 6 4 10 4 कितना हो जाएगा 16, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 5x, बराबर कर दो इसे, 3 0 3 0 तो यहीं खत्म हो गया तुम्हारा। 5 से इसे काट दो 2 बार में, 2 से इसे काट दो 9 बार में, यानी कि तुम्हें क्या मिल गया यहाँ से 9x इज इक्वल टू 5x प्लस में कितना 16, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो कितना आ जाएगा 9 में 5 चला जाएगा 4, 4 से काट दो 16 बार में 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब तुम आसानी से यहाँ पे बैठा सकते हो, 1 है 2 है 1 है और x का वैल्यू यहाँ पे 4 बैठा दो, देखो वही चीज़ है 1 2 1 और 4, तो इतना मेहनत करने का क्यों जरूरत हमें, यहाँ पे इतना सारा कार्यक्रम हम लोगों ने किया 600 300 400 इस तरीके से, डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ से आंसर दिख गया था 1 2 1 है, जो भी होगा इसी के मल्टीपल में होगा, चाहे ये फ्रैक्शन में रहे चाहे जो रहे, इस पर कोई बदलाव नहीं आएगा, ये रेशियो वो ABC का जो रहेगा वो 1 2 1 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, इसलिए इसे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करके बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, और इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हमारा टॉपिक टेस्ट 3 समाप्त होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जाने, इसके बारे में इसका बेनिफिट उठा सकें, तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि वीडियो अपलोड हो तो तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। चलो थैंक यू।